हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी परिभाषा यह है कि अगर कहीं पर दो बराबर परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, मतलब अगर परिमाण Q मान लें तो एक पे प्लस Q दूसरे पे माइनस Q चार्ज एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक चार्ज आपने लिया ये, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये प्लस Q चार्ज है। दूसरा आप ले लीजिए चार्ज ये, इसका परिमाण भी मानना है क्यू लेकिन प्रकृति विपरीत होगी, तो एक प्लस क्यू दूसरा क्या हो जाएगा माइनस क्यू। ये जो निकाय बनेगा आवेशों का जिसमें कि एक प्लस क्यू होता है दूसरा माइनस क्यू होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। और ध्यान ये रखना है कि जो चार्ज आपने लिया है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। तो इस केस में हम लोग मानेंगे 2L। ठीक है, तो क्या है परिभाषा? अगर कोई दो समान परिमाण के आवेश किंतु प्रकृति में विपरीत, मतलब एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। इतनी सी परिभाषा इसकी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, जरा बताइए कहां कहां पर ये बन सकता है। परिभाषा हमने सीख लिया, दो चार्ज रहेंगे, दोनों परिमाण समान रहेंगे लेकिन प्रकृति विपरीत रहेगी, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, और अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। अब देखिए जो हमारे अणु होते हैं, जैसे कि हम बात करें HCl, यहां भी बनेगा एक द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। या बात कर लीजिए H2O, यहां भी बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। या बात कर लीजिए CH4, यहां भी बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। या बात कर लीजिए HBr, यहां भी बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे बनेगा देखिएगा, अगर हम बात करें HCl की, तो यहां मैं देखता हूं रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में आपको बेहतर बताया होगा, जब किसी विलयन में जिसमें HCl है ये अपने आयनों में जब बढ़ जाएगा तो क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा H+ और दूसरा क्या निकलेगा Cl-, यही निकलेगा। और आप ये बेहतर जानते हैं कि परमाणु में जो अणु होंगे, अणु में जो परमाणु होंगे या जो आयन में ये बढ़ गया है, ये बहुत ही पास पास होंगे। देखो जरा, एक पर प्लस आवेश एक इकाई का है और यहां पर एक इकाई क्या है माइनस आवेश है, और दोनों ही बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं, तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली H2O की बात करेंगे, तो जब ये आयन में बटेगा, अपने विभक्त होगा, तो क्या निकलेगा यहां से, ये निकल आएगा, एक तो निकलेगा H+, है ना, और एक निकलेगा O पे डबल माइनस रहेगा, और फिर निकलेगा H+, ये तो निकलेगा। यहां भी देखिएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये मिला के बन जाएगा एक द्विध्रुव। इस केस में ये प्लस और ये माइनस मिलके बन जाएगा एक द्विध्रुव। समझ गए, मतलब ये जो अणु होते हैं ये क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कंडीशन यही है कि दो आवेश समान परिमाण के होंगे और दोनों पर आवेश की प्रकृति अलग अलग होगी, मतलब विपरीत होगी, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, और दोनों अत्यंत अल्प दूरी पर होंगे, मतलब बहुत पास पास होंगे, तो जो निकाय बनेगा उसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, जैसे कि अणु हो गया HCl, H2O, CH4, HBr, ये सारे के सारे अणु वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बाद एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या होता है सुने,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। या देखिए क्या होता है, तो सुनो जरा, इसी द्विध्रुव में अगर हम किसी एक आवेश के परिमाण को, चाहे इसको चाहे इसको, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, किसी एक परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणा कर दें तो जो राशि निकल के आएगी उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। कहने का मतलब ये हुआ, इस केस में अगर हमने मान लिया है ये हमारा एक द्विध्रुव है, इसका निकालना हो द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या आएगा, इसको दिखाते हैं पी से, किससे दिखाते हैं पी से, इज इक्वल टू होता है एक आवेश का परिमाण, चाहे इसकी बात करो चाहे उसकी बात करो, दोनों का परिमाण क्यू ही लिया है तो आप ले लेंगे यहां पर क्यू, तो ये हो गया क्यू मल्टीप्लाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L है, तो यहां हो जाएगा 2L। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 2QL। ये होता है किसी भी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली यहां पर है, किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रहेगा, जैसे हमने यहां पर दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L मानी है, कितनी मानी है 2L मानी है, तो मान लीजिए 2L ना मान के R मान लें या D मान लें या कुछ भी मान लें, उस केस में अगर आपको निकालना होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो याद रखना है परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों में से एक आवेश लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेना है। हमने क्योंकि 2L लिया है तो यहां पर हमने 2L लिया है, अगर यहां पर हम R ले लें तो हमको यहां पर क्या पुट करना होगा, R पुट करना होगा, अगर मान लो यहां पर D ले लें तो यहां क्या पुट करना होगा, हमको D पुट करना होगा। कहने का मतलब यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेना है, क्योंकि हमने 2L लिया इसलिए यहां पर 2L लिखा है, R के केस में आपको R लेना है, D के केस में आपको D लेना है, या बुक में जो भी मेंशन किया गया है, मान लो कोई क्वेश्चन बन जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए और यहाँ बीच का डिस्टेंस कुछ और दे दे, तो आपने रटा हुआ है 2QL होता है ना, तो गलती कर सकते हैं, इसीलिए याद रखना है जब भी आप निकालिए द्विध्रुव आघूर्ण तो वहां पर एक होगा आवेश और यहां पर होगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें एक लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये रहेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए, मात्रक विमा और दिशा बताइए, चार चीजें, पहला तो ये क्या होता है, दूसरा इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, तीसरा इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है और इसकी दिशा क्या होगी। अब दिशा की बात अगर है, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला तुमने निकाल लिया, कितना होता है 2QL। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से, इसी की मदद से हम निकालेंगे इसका सूत्र क्या होता है, फिर निकालेंगे इसी से विमा क्या होती है और सदिश राशि होने पर, सदिश राशि चूंकि ये है तो इसकी दिशा क्या होगी, हमारे पास दो ही चार्ज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दिशा क्या हो सकती है, या तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ या माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो याद कर लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब ऐसे, ये है पी का डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मान लो आपने माइनस क्यू इसको माना है और यहां माना है प्लस क्यू, तो आपको ऐसे बनाना होगा। ध्यान क्या रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहां से कहां की तरफ, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, तो जरा देखिए इसको यहां निकाल देते हैं फटाफट हम, ये हमारा फॉर्मूला है 2QL। ठीक है, ये हमको पता हो गया है, इस 2QL की मदद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे इसका, पहले निकालेंगे मात्रक, तो जरा निकालो यहां से मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक या इसका यूनिट, तो देखिए जरा, दो तो एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं, ये इसका काम खत्म,
उसके बाद है Q, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो यहां आपको लिखना होगा कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो गया कूलाम। डैश आगे आ जाइए, L क्या है लंबाई है, बीच की दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहां हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये निकाल लिया आपने द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, कितना इजी था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बाकी मात्रक विमा आप किसी फॉर्मूले की मदद से निकाल लेंगे। हम मात्रक निकाल चुके हैं कूलाम मीटर, अब निकालते हैं विमा। तो जरा देखिए विमा कैसे निकालेंगे, कूलाम, कूलाम मतलब आवेश, और क्यू बराबर क्या होता है आई टी, यहां मैं दिखाई दे रहा हूं क्यू बराबर होता है आई टी, क्या होता है आई टी, आई और टी, और आप जानते हैं आई क्या होता है वैद्युत धारा, टी क्या होता है समय, तो देखो यहां में मिल गई ना आई वैद्युत धारा मतलब एम्पियर, इसका क्या होता है कैपिटल ए, तो यहां हो जाएगा कैपिटल ए, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहां टी क्या है, टी क्या है समय, समय की मात्रा क्या होती है कैपिटल टी, ये हो गया ए इंटू टी। ठीक, यहां जाओ क्या है मीटर, ये किसका मात्रक है दूरी का, और दूरी की मात्रा क्या होती है कैपिटल एल, इलेवेंथ क्लास में ये आपको बहुत बढ़िया से बताया गया होगा। ठीक है, अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी और एल। याद रखना होता है इसमें, ध्यान क्या रखना होता है कि विमा या डायमेंशन को हमेशा आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना होता है, और कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखते हैं ए टी एल, ये हो गई इसकी विमा। आसान था, हमने केवल ये फॉर्मूला याद किया और इसकी सहायता से हमने निकाल लिया इसका मात्रक और इसकी विमा। दिशा मैं आपको बता ही चुका हूं, दिशा क्या होती है माइनस क्यू आवेश से कहां की तरफ, प्लस क्यू आवेश की तरफ, चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो दिशा, दिशा क्या होगी, दिशा होगी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। बस हो गया, इतने से आपको मिल जाएगा करीब 2 से 3 नंबर। ठीक है, ये था द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, और इसकी दिशा क्या होती है, हमने ये सीख लिया। ठीक है।